अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह ताला ओवर नेक्स्ट टॉपिक. एंड ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द एयर कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन ऑफ एयर हम आज करेंगे. यानी एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस जो हैं उसको मिलकर बनाती हैं, यानी एयर के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स गैसेस के पाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे. तो डिफरेंट गैसेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस इज कॉल्ड एयर. सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स. यहाँ एक मैंने टेबल आपके लिए बनाया है. ये टेबल जो है ये हमें बताता है कि किस किस क्वांटिटी में जो एयर में ये गैस मौजूद है. जैसे नाइट्रोजन जो है वो 78.08% पाई जाती है. ऑक्सीजन जो कि आपको पता है मतलब कितनी लाजमी है, ऑक्सीजन 20.94% पाई जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस 0.95% एंड वाटर वेपर्स वेरिएबल. यानी वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा होती रहती है. ओके, आप अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें भी इस डायग्राम में अर्थ के अंदर इसकी कंपोजिशन को दिखाया गया है. ये देखें, ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वो उससे कम, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मिकदार में पाई जाती है, और इसी के अंदर बाकी गैसेस भी यानी 1% से भी लेस देन बाकी गैसेस जो है वो पाई जाती हैं. ओके, और ये इनको अब हम डिटेल में भी करेंगे. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जिनके नाम के हैं आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जीनोन एंड ओजोन. दीज आर द गैसेस विच आर अदर गैसेस जो कि हमने इस टेबल में अदर गैसेस के नाम से इसको जानते हैं वो है 0.95%. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये तो होगी जी हमारी कंपोजिशन ऑफ द एयर. अब अगर हम कहें कि जो हमने इनको डिटेल में करना है और वो है सबसे पहले ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है. ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर फायर टू बर्न. ओके, जहां ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है वहां हमें बर्निंग के प्रोसेस को भी पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. यानी बर्निंग का प्रोसेस यानी जलने के अमल में. इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी जो है वो पहले भी आपको बता चुकी हूं. एक एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक दो ग्लास लें और दो कैंडल्स लें और एक दोनों कैंडल्स को जला लें और एक कैंडल के ऊपर आप ग्लास को रख दें, कुछ देर तो वो जलती रहेगी कैंडल, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैंडल भी बुझ जाएगी, क्योंकि वो जितनी उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन होगी वो अब्सॉर्ब कर लेगी और वो इस्तेमाल कर लेगी और वो उसके बाद कैंडल खुद ब खुद बुझ जाएगी. इसका मतलब है कि उसके अंदर मजीद ऑक्सीजन नहीं रहेगी और वो कैंडल बुझ जाएगी. और दूसरी कैंडल जो कि विदाउट ग्लास होगी, उसके कवर के बगैर होगी, वो जलती रहेगी. तो इससे ये साबित होगा कि जो ऑक्सीजन है ना, सिर्फ हमें लिविंग थिंग्स को सांस लेने में इसकी जरूरत है ऑक्सीजन की, बल्कि जो जलने का अमल है, बर्निंग का अमल है, उसमें भी ऑक्सीजन की अपनी इम्पोर्टेंस है. और इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक. वो मैंने बर्निंग और रेस्पिरेशन का एक जो वीडियो है वो बनाई है, वो आपको इंशाल्लाह उसमें और अच्छी तरीके से इसके बारे में पता चल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट है जी हमारा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है गैस, ये भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली गैस है एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है. लिविंग थिंग्स नीड इट टू मेक प्रोटीन्स, बट ओनली सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन अब्सॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट अब्सॉर्ब इट फ्रॉम द एयर. प्लांट्स अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स from the soil through their roots. Other living things absorb nitrogen by consuming plants or other animals that have consumed plants. अब ये क्या कि नाइट्रोजन जो है ये फिजा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है. नाइट्रोजन जिसका कि फॉर्मूला N2 है. नाइट्रोजन ओके, ये फिजा में सबसे ज्यादा मौजूद है, लेकिन इसको कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. अब वो इस चूंकि प्रोटीन की सिंथेसिस में नाइट्रोजन जो है एक अहम हैसियत रखता है, बुनियादी हैसियत रखता है, क्योंकि तमाम प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन इसके बेसिक कंटेंट है. तो इसलिए इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की जरूरत तमाम लिविंग थिंग्स को है सवाए बैक्टीरिया के. और कुछ जो फंजाए हैं उनके अलावा, फंजाए और बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज करने की बात करें तो नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली कोई भी और लिविंग थिंग्स नहीं यूज कर सकते सवाए बैक्टीरिया के. क्या बताया मैंने आपको, बैक्टीरिया के और कुछ जो है इसमें प्लस फंजाए जो है इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि फिजा में मौजूद होती है, एटमोसफेयर में मौजूद होती है, उसको बैक्टीरिया और फंजाए यूज कर सकते हैं. उसके अलावा जो तमाम
ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स जो हैं उसको नाइट्रेट्स की सूरत में यूज करते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की शक्ल में, यानी ये नाइट्रेट्स जो है ये नाइट्रोजन जो है पानी के साथ जमीन में अब्सॉर्ब होती है और वो नाइट्रेट्स की शक्ल में सॉइल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है और प्लांट्स इस नाइट्रेट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं थ्रू देयर रूट्स और फिर वो उनका हिस्सा बन जाती है और उस उन प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं कुछ एनिमल्स जैसे हर्बीवोरस जो है उन प्लांट्स को खाते हैं और उन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे ओमनीवोरस वो प्लांट्स भी खाते हैं और उसके अलावा उन एनिमल्स को खाते हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं और इस तरह वो नाइट्रोजन जो है वो उन एनिमल्स तक भी, उन ऑर्गेनिजम्स तक भी पहुंच जाती है जो कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये हो गया जी नाइट्रोजन के बारे में, यानी नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगली जो गैस है जो हम बात करेंगे वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। और स्टूडेंट्स यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज दिस गैस ड्यूरिंग देयर प्रोसेस, सो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ओके, बिकॉज प्लांट यूज दिस गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद अदर गैसेस की बात करें, द अदर गैसेस आल्सो हैव अ स्पेशल यूजेस। फॉर एग्जांपल नियोन इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक लाइट व्हाइल आर्गन इज यूज्ड इन प्रोड्यूस एन ऑर्गन इन एन ऑरेंज ग्लो इन ग्लास ट्यूब एज इन द स्ट्रीट लाइट। यानी ये जो हमारे पास नियोन है या आर्गन है ये हमारे लिए लाइट को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह तमाम गैसेज जो है इनके डिफरेंट पर्पसेज हैं। नेक्स्ट है जी वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जो है ये वाटर वेपर्स इनके वेरिएबल होते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी ये कम हो जाते हैं। द एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, दिस इज वाटर विच हैज एवेपोरेट एंड टर्न इनटू अ गैस। व्हेन द एयर इन अ पार्टिकुलर प्लेस कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर वेपर वी से इट इज ह्यूमिड। जिस फिजा में, जिस एटमोसफेयर में वाटर वेपर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी वाली एयर कहते हैं। हम कहते हैं हवा में आज बहुत नमी है, ओके, जैसे कि बरसात के मौसम में हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, ओके। सो स्टूडेंट ये तो था जी हमारा आज का टॉपिक और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।